दोस्तों, जानते हो दुनिया में सबसे वैल्यूएबल एसेट क्या है? आप खुद, आपकी लाइफ, आपका पोटेंशियल एंड आपकी पॉसिबिलिटीज़ सबसे प्रीसियस चीज़ें हैं। इंसान की सीखने की क्षमता अनलिमिटेड है और आप चाहे तो सारी ज़िंदगी सीख सकते हो एंड सारी ज़िंदगी ग्रो कर सकते हो। चलो अब बताओ सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल एसेट क्या है? योर एबिलिटी टू अर्न। अगर आपका घर चला जाए, आपकी गाड़ी चली जाए ना, आपका बैंक बैलेंस ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर आपके अंदर अर्निंग एबिलिटी है तो आप ये सब वापस पा सकते हो। आपकी अर्निंग एबिलिटी मसल्स के जैसी होती है। जिस प्रकार डेली एक्सरसाइज करने से आपकी मसल्स ग्रो होती है, उसी प्रकार आपके एक्सपीरियंस से, आपकी नॉलेज से एंड आपकी लर्निंग से आपकी अर्निंग एबिलिटी इंक्रीज होती है। अगर आपकी अर्निंग एबिलिटी बढ़ती है तो आप ग्रो करते हो, एंड अगर आपकी अर्निंग एबिलिटी घटती है या उतनी ही रहती है तो आप धीरे धीरे आपकी वैल्यू कम हो जाती है। दोस्तों, एक बात तो सच है कि आप अभी जिस भी स्टेट पे हो, जो कुछ भी आप अर्न कर रहे हो, वो आपकी आज तक की मेहनत है एंड लर्निंग है। अब अगर आपको और ज़्यादा अर्न करना है या ग्रो करना है तो आपको खुद को अपग्रेड करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें सीखनी होगी और अपने स्किल्स को डेवलप करना होगा। आपने 80-20 रूल तो सुना ही होगा कि 20% लोग 80% पैसे को कंट्रोल करते हैं। हमें इस 20% में आना होगा। अमेरिका के बिजनेस वीक एंड फोर्ब्स के अकॉर्डिंग 1% अमेरिकन 33% एसेट्स को होल्ड करता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आज जो भी लोग 20% कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो कभी ना कभी 80% वाली कैटेगरी के अंदर थे। यानी जो भी लोग आज रिच है या सक्सेसफुल है, कभी ना कभी वो गरीब या एवरेज लोग थे। अब प्रॉब्लम यह है कि लोग हर साल उतना ही ग्रो करते हैं जितने की इन्फ्लेशन बढ़ती है, एंड इवेंचुअली वो वही के वही रह जाते हैं। दोस्तों, आपके पोटेंशियल की कोई लिमिट नहीं है। इनफैक्ट कोई भी इंसान आपसे बेटर नहीं है। अगर कोई इंसान आपसे बेहतर कर रहा है लाइफ में, तो इसका मतलब ये है कि उसने आपसे ज़्यादा सीखा है, आपसे ज़्यादा हार्डवर्क किया है एंड उसे लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट का पता है। आपको सीखना है और उसे एक्चुअल लाइफ में अप्लाई करना है। अगर आप खुद को हर पल इम्प्रूव करने का डिसीजन ले लेते हो तो आप एक्सेलेंस की तरफ बढ़ते हो। आपने 3 इडियट का वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस जग मार के आपके पीछे भागेगी। एंड ये सच है। एंड एक्सेलेंस के लिए आपको डिसीजन एंड लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट चाहिए। 21वीं सदी में सक्सेस की नॉलेज एंड स्किल्स है, एंड अपनी नॉलेज एंड स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। मेंटल फिटनेस भी उतनी ही जरूरी है जितना कि फिजिकल फिटनेस है। आपको कॉन्टिन्यूस ग्रो करना है, आपको कॉन्टिन्यूस लर्निंग करनी है। टू अर्न मोर यू मस्ट लर्न मोर। सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया में अगर कोई भी काम किसी भी इंसान ने किया है तो वो काम आप भी कर सकते हो। हो सकता है आपके स्कूल का कोई डम लड़का आपसे आज कहीं बेहतरीन कर रहा है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि लाइफ के किसी मोड पे उसने रियलाइज़ किया कि सक्सेस के लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ जरूरी है एंड उसके लिए लर्निंग बहुत जरूरी है। दुनिया में ऑलमोस्ट हर एक जरूरी स्किल सीखा जा सकता है। बिजनेस स्किल सीखे जा सकते हैं, सेल्स टेक्निक सीखी जा सकती है एंड मनी मेकिंग स्किल्स सीखे जा सकते हैं। अगर डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, तो सब कुछ सीखा जा सकता है। कहा जाता है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चेंज कुछ अलग करने की एक थॉट से आता है, एक डिसीजन से आता है। एक्चुअल में आपकी लाइफ काफ़ी हद तक आपके डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करती है। एजुकेशन कंप्लीट करने का डिसीजन, आपके स्किल्स को अपग्रेड करने का डिसीजन, बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन या फिर किसी पर्टिकुलर फील्ड में जॉब करने का डिसीजन। दोस्तों, इंस्टाग्राम पे हम बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें लीडर्स को फॉलो करना चाहिए, ना कि फॉलोअर्स को। एक बार आप डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है, किस फील्ड में आपको खुद को बेस्ट बनाना है, तो उसके बाद उस फील्ड के बेस्ट लोगों को फॉलो करो, उनसे इंस्पिरेशन लो, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझो, कैसे वो अपने पूरे दिन को प्लान करते हैं, कैसे ड्रेस पहनते हैं, कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, खाली टाइम में वो लोग क्या करते हैं। सही रोल मॉडल और मेंटोर का होना आपके सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको अपने मेंटोर से लगातार सीखना है, उनकी एडवाइस लेनी है और उनकी एडवाइस को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है। दोस्तों, हमें ये तो समझ में आ गया कि अपनी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट एसेट हम ही है, तो खुद में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे करें? इसके लिए एक फॉर्मूला है, 3% फॉर्मूला। स्टडीज से पता चला है कि अगर आप अपनी अर्निंग का 3% खुद पे इन्वेस्ट करते हैं, खुद को बेटर बनाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आने वाले टाइम में आप अपने इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हो, कई गुना उसको बढ़ा सकते हो। लेकिन ज़रूरी है कॉन्टिन्यूस लर्निंग। आप ये इन्वेस्टमेंट अपनी फील्ड से रिलेटेड बुक्स में कर सकते हो, सेमिनार्स में कर सकते हो, कोर्सेज परचेज कर सकते हो एंड उससे सीखी हुई चीज़ें
आप अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। द मोर यू लर्न बेटर योर ब्रेन फंक्शन एंड मोर यू ग्रो। अगर आप डेली एक्स्ट्रा 2 घंटे खुद को बेटर बनाने के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले 10 साल के अंदर आप 1000% इम्प्रूव हो जाते हो, 1000% बेटर हो जाते हो एंड इवेंचुअली आपकी इनकम, आपकी अर्निंग भी 1000% बढ़ जाती है। बट इसके लिए आपको अपने फील्ड में मास्टरी करना होगा। स्टडीज से पता चला है किसी भी फील्ड में टॉप तक जाने के लिए या मास्टरी करने के लिए 10,000 घंटे का हार्डवर्क लगता है, जो कि ऑलमोस्ट 7 ईयर्स है। तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ही आप बेटर होंगे, उतना ही जल्दी आप सक्सेसफुल होंगे। दोस्तों, टैलेंट ओवररेटेड है। हर जगह टैलेंट की बात होती है लेकिन एक्चुअल में टैलेंट के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर वो आप अपने अंदर लाते हो तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते हो। 10 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिनको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो, अपनी लाइफ में लेके आते हो, तो आपको सक्सेसफुल होने के लिए टैलेंट की आवश्यकता नहीं है। बीइंग ऑन टाइम, वर्क एथिक्स, एफर्ट, एनर्जी, बॉडी लैंग्वेज, पैशन, डूइंग एक्स्ट्रा, बीइंग प्रिपेयर्ड, इंटेंशन टू लर्न, एटीट्यूड। दोस्तों, जब भी आप कुछ नया सीखते हो एंड उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो एक ग्रेट सेंस ऑफ पर्सनल पावर फील होती है एंड आपकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड पर्सनल प्राइड बढ़ता है, जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो पावर ऑफ परसिस्टेंस पे भी वीडियो पसंद आएगी, लेफ्ट वाले बॉक्स पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। अदरवाइज राइट वाली वीडियो भी बहुत काम की है। मैं ऐसे आपके काम की वीडियोज लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।